ही स्पीक्स ट्रुथ इज ऑलवेज साइलेंट। आज के जमाने में यही हो रहा है, जब पैसा बोलता है तो सत्य चुप हो जाता है। मैं एसके मिश्रा शार्क कैरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहला ही शब्द देखें, मैंने कई शब्द दिए हैं, नए हैं, कुछ आपके सुने हुए भी हो सकते हैं। रेकंसाइल, रेकंसाइल मेल करना या कराना इसका अर्थ है। दे हैव रेकंसाइल्ड देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने मतभेदों को फिर से मेल कर लिया है, अर्थात उन्होंने फिर से मेल कर लिया है, जो उनके मतभेद थे वे दूर हो गए, उन्होंने अब मेल कर लिया है। के अनुकूल बनाना इसका दूसरा अर्थ है। यू मस्ट रेकंसाइल योर सेल्फ टू ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी नाउ, अर्थात गरीबी के जीवन से के अनुकूल तुम्हें अपना जीवन ढाल लेना चाहिए। यू मस्ट रेकंसाइल योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप को ढाल लेना चाहिए टू ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी नाउ, गरीबी के जीवन से तुम्हें अपना जीवन अनुकूल बना लेना चाहिए। तुम चाहे कितने भी अमीर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अब तुम इस तरीके से पैसे को मत उड़ाओ, अब गरीबी के जीवन के अनुसार तुम्हें अपने आप को ढालना होगा, ढाल लेना चाहिए। सही कर लेना तीसरा अर्थ है इसका। आई हैव रेकंसाइल्ड माई अकाउंट विद द बैंक, अब बैंक से मेरी जो पासबुक का अकाउंट है वो मिल गया है, सही कर लिया है मैंने। आई हैव रेकंसाइल्ड माई अकाउंट, मैंने अपना हिसाब बैंक के हिसाब से मिला लिया है। आई हैव रेकंसाइल्ड माई अकाउंट विद द बैंक। रेकंसिलिएशन, रेकंसिलिएशन फिर से मेल मिलाप करना, रेकंसिलिएशन फिर से मेल मिलाप। देयर इज रेकंसिलिएशन बिटवीन द टू फ्रेंड्स नाउ, दोनों दोस्तों के बीच में अब मेल मिलाप हो गया है। अगला देखें, रेकंडाइट, रेकंडाइट माने गूढ़ या गहन। ही हैज रेकंडाइट नॉलेज अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में अर्थात भौतिक शास्त्र के बारे में उसका गूढ़ ज्ञान है, गहरा ज्ञान है फिजिक्स के बारे में, भौतिक शास्त्र के बारे में। अगला देखें, रिकंडीशन, रिकंडीशन फिर से ठीक करना। इट इज नॉट ए न्यू कार, ये नई कार नहीं है, इट हैज बीन रिकंडीशनड, इसे दोबारा से ठीक करा गया है, नई सी लग रही है। इट इज नॉट ए न्यू कार, इट हैज बीन रिकंडीशनड, अर्थात इसे फिर से ठीक किया गया, ये नई कार नहीं है। रिकंसीडर, फिर से विचार करना, किसी बात पर विचार करना दोबारा से। रिकंसीडर, कंसीडर माने विचार करना, रिकंसीडर माने दोबारा विचार करना। द मैनेजमेंट वॉज फोर्स्ड, दबाव डाला गया मैनेजमेंट पर, मैनेजमेंट पर इस बात का, प्रबंधकों पर, प्रबंधक कमेटी पर दोबारा से या दबाव डाला गया, मैनेजमेंट वॉज फोर्स्ड, मैनेजमेंट पर, प्रबंध तंत्र पर ये दबाव डाला गया टू रिकंसीडर इट्स डिसीजन, कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, दोबारा विचार करे। रिकंसीडरेशन ये नाउन है, रिकंसीडर वर्ब है। रिकंसीडरेशन पुनर्विचार, द वीमेंस बिल हैज बीन पुट टू रिकंसीडरेशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वीमेंस बिल यानी महिला बिल को रखा गया, द वीमेंस बिल हैज बीन पुट रखा गया है, हैज बीन पुट टू रिकंसीडरेशन, फॉर रिकंसीडरेशन, द वीमेंस बिल हैज बीन पुट, महिला बिल को रखा गया है फॉर रिकंसीडरेशन, पुनर्विचार के लिए, इन द पार्लियामेंट में, इन द पार्लियामेंट संसद में। डेसिमेट,
डेसीमेट का अर्थ है बड़ी संख्या में मारना। द अर्थक्वेक हैज डेसीमेटेड द पीपल, बड़ी संख्या में लोगों को मारा। किसने? भूकंप ने। भूकंप के कारण बहुत से लोग मारे गए। डेक, DECK, डेक, बस की छत। देयर वॉज ए ग्रेट रश ऑन द बस डेक, बस की छत पर बहुत रश था, भीड़ थी। बस की छत पर बहुत भीड़ थी। जेपर्डाइज, जेपर्डाइज जोखिम में डालना। ही जेपर्डाइज्ड हिज लाइफ बाय ज्वाइनिंग माफिया, माफिया को ज्वाइन करके, माफिया के साथ मिलकर के उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल लिया, जोखिम में डाल लिया, खतरे में डाल लिया। ही जेपर्डाइज्ड हिज लाइफ बाय ज्वाइनिंग माफिया। जर्क, JERK, जर्क, जर्क माने झटका। इसके मैंने दो अर्थ दिए हैं। इसी तरीके से मैंने रेकनसाइल के तीन अर्थ दिए थे, अब मैंने जर्क के दो अर्थ दिए हैं। पहला अर्थ है झटका। द बस स्टॉप्ड विद ए जर्क, झटके के साथ बस रुक गई, झटके के साथ बस रुक गई। दूसरा अर्थ है इसका मूर्ख। ही इज ए जर्क, वह एक मूर्ख है। जेस्ट देखें, JEST, जेस्ट, मजाक। आई सेड इट ओनली इन जेस्ट, अरे मैंने तो मजाक में कह दिया था। अब कहते हैं ना, आप सीरियसली ले गए, मैंने तो मजाक में कह दिया ऐसे ही। देखें, आई सेड इट ओनली इन जेस्ट, मैंने मजाक में कह दिया था। बहुत सरल शब्द मैंने लिए हैं, कुछ जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आसानी से समझ में आएंगे, यूज कर सकते हैं और कई एग्जाम्स में आपको ये फायदा पहुंचाएंगे। दूसरा अर्थ है जेस्ट का हंसी उड़ाना। डोंट जेस्ट अबाउट समबडी फिजिकल डिफॉर्मिटी, किसी की विकलांगता को कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये वैसे भी मानवता के लिहाज से भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हादसा हो सकता है। कभी भी किसी की विकलांगता की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। जिब, जिब, JIB, किसी कार्य को जारी रखने से मना कर देना। मैं कार्य नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करने वाला। ही जिब्ड इन्वेस्टिंग एनी मोर मनी इन द शेयर्स, उसने मना कर दिया कि शेयर में मैं और पैसे नहीं लगाऊंगा, उसने मना कर दिया। ही जिब्ड इन्वेस्टिंग एनी मोर मनी इन द शेयर्स, शेयर्स में मैं और पैसा नहीं लगाऊंगा, उसने मना कर दिया, कार्य जारी रखने से इनकार कर दिया। जिगिल, जिगिल माने धीरे धीरे झुलाना, जैसे धीरे धीरे झुलाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, धीरे धीरे झुलाया जाता है। देखें, आई जिगिल्ड माय सन इन द स्विंग, झूले में मैंने बड़े हल्के हल्के अपने लड़के को झुलाया। जॉट, जॉट माने कण। देयर इज नॉट ए जॉट ऑफ ट्रुथ इन व्हाट यू से, तुम जो कहते हो उसमें सत्य का कण भी नहीं है, जरा भी सत्य नहीं है। देयर इज नॉट ए जॉट कण, देयर इज नॉट ए जॉट ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ माने सत्य, ट्रुथ इन व्हाट यू से, तुम जो कहते हो उसमें सत्य का कण भी नहीं है, यानी जरा भी सत्य नहीं है। जाऊ, जाउल माने गाल होता है, वैसे चीक्स माने आपने सुना ही होगा गाल होता है, गाल। हर जाउल्स टर्न्ड रेड विद एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट कहते हैं शर्मिंदगी को। हर जाउल्स टर्न्ड रेड, उसके गाल शर्मिंदगी के कारण लाल हो गए। एम्बेटिल्ड, परेशानियों से घिरा। माय फ्रेंड इज एन एम्बेटिल्ड पर्सन, मेरा दोस्त परेशानियों से घिरा हुआ है। ही मैन, एक ताकतवर या बलिष्ठ व्यक्ति को कहते हैं। हमारे यहां धर्मेंद्र साहब जो रहे हैं वो बहुत ही मैन के नाम से जाने जाते थे, फिल्मों में ही मैन के नाम से जाने गए, पहले ही मैन। धर्मेंद्र हैज बीन ए ही मैन ऑफ बॉलीवुड, सिनेमा के यानी बॉलीवुड के
धर्मेंद्र जो है वो ही मैन रहे हैं, बलिष्ठ व्यक्ति रहे हैं, हेड ऑन, आमने सामने। मैनी ट्रेवलर्स डाइड इन ए हेड ऑन ट्रेन कोलिजन, आमने सामने की टक्कर, हेड ऑन, हेड ऑन, आमने सामने कोलिजन, टक्कर। मैनी ट्रेवलर्स डाइड इन ए हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन ट्रेन कोलिजन, ट्रेन की आपस में आमने सामने की टक्कर हुई, आमने सामने की टक्कर में बहुत सारे यात्रीगण मारे गए। कोलाइड, कोलाइड माने टक्कर है, ये कोलिजन की क्रिया वर्ब है। द कार कोलाइडेड विद ट्रक, कार की टक्कर ट्रक से हो गई। जरा सी कार, द कार कोलाइडेड विद ट्रक एंड फेल इनटू द रिवर, और कार जाके कहां पड़ी, नदी में पड़ी। अगला शब्द है इनसेन, इनसेन माने पागल, ही इज एन इनसेन पर्सन, वह पागल आदमी है, पागल व्यक्ति है। अनएफ्रेड, एफ्रेड माने डरा हुआ, अनएफ्रेड निडर, ही इज अनएफ्रेड टू टेक रिस्क, वह डरता नहीं है, खतरे मोल लेने से डरता नहीं है। अनआस्ड, बिना पूछे बिना निमंत्रण के चले आए हाथ हिलाते हुए, अनआस्ड, बिना पूछे बिना निमंत्रण के। शी केम टू द पार्टी अनआस्ड, बिना निमंत्रण के ही, बिना कहे हुए ही, बिना आदर के ही वह पार्टी में आ गई। अनअटैच्ड, अटैच्ड माने संबंधित, संबद्ध, अनअटैच्ड असंबद्ध अर्थात संबंध रहित। ही इज अनअटैच्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, अमिताभ बच्चन के लिए प्रेजेंट में कह सकते हैं हम, अमिताभ बच्चन इज अनअटैच्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, अब अमिताभ बच्चन किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। अमिताभ बच्चन इज अनअटैच्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी से अमिताभ बच्चन अब जुड़े हुए नहीं है। अनअवेयर, बेखबर, ही इज अनअवेयर ऑफ द पॉलिटिक्स, वह पॉलिटिक्स से, राजनीति से बेखबर है, उसे राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। अनबियरेबल, बियरेबल माने सहनीय, जिसको हम सहन कर सकते हैं। अनबियरेबल, असहनीय, असहनीय दर्द। आई हैव एन अनबियरेबल पेन इन द स्टमक, इन माई स्टमक, मेरे पेट में असहनीय पीड़ा है, दर्द है। आई हैव एन अनबियरेबल पेन इन माई स्टमक, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द है। बीड, जो माला के दाने होते हैं उन्हें बीड कहते हैं, बी ई ए डी, माला जो फेरते हैं हाथ में तो उनके जो दाने होते हैं उन्हें बीड कहते हैं, माला का दाना। शी इज वियरिंग ए नेकलेस ऑफ बीड्स, बीड्स यानी माला के दाने से बनी हुई वो नेकलेस, हार पहन रही थी दानों से बनी हुई। बीम, मुस्कुराना, शी वॉज बीमिंग विद जॉय, वो खुशी से मुस्कुरा रही थी, शी वॉज बीमिंग विद जॉय। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटीफाई क्रिया है, वर्ब है, सजाना, सुंदर बनाना, सजाना। द गार्डन वॉज ब्यूटीफाइड ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस के अवसर पर गार्डन यानी बगीचे को खूब सजाया गया, संवारा गया, सुंदर बनाया गया। बैक डोर, बैक डोर माने पीछे का दरवाजा, एक तो आगे का दरवाजा है जिससे सम्माननीय व्यक्ति आते हैं, एक बैक डोर होता है उससे चोर आते। बैक डोर, पीछे का द्वार, पीछे का दरवाजा। यूजुअली थीव्स यूज द बैक डोर, चोर अक्सर पीछे के दरवाजे से घर में चोरी के लिए घुसते हैं। बैकबाइट, बैकबाइट आप जानते ही किसे कहते हैं, पीठ पीछे निंदा करना, बुराई करना, चुगलखोरी करना, ये इसके अर्थ होते हैं। बैकबाइट, बाइट माने काटना,
बैक माने पीछे, चुगलखोरी करना, शी हैज बीन बैक बाइटिंग मी, वह मेरी चुगलखोरी करती आ रही है। तो कुछ लोग इस आदत के होते हैं कि निकल के गए, एक व्यक्ति पास में बैठा है, अगर वह उठ के गया तो दूसरे व्यक्ति से बात करते समय उसी की आलोचना चुगलखोरी शुरू कर देंगे, उनका तो प्ले का बटन दबाओ चालू हो जाते हैं बुराई करने पे। आजकल यही जमाना है। बैबल, बैबल कोलाहल शोर को कहते हैं। द बैबल इन द क्लास वाज डिस्टर्बिंग मी, द बैबल इन द क्लास Babble in the class was disturbing me. क्लास का शोर, कक्षा में होने वाला शोर मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, अर्थात परेशान कर रहा था। बबून, बैबून, बैबून माने बड़ा बंदर, मंकी साधारण होते ही हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो पाए जाते हैं वो बड़े बंदर होते हैं, तो बैबून कहते हैं उनको। Baboons are found इन साउथ अफ्रीका, बैबून्स बड़े बंदर दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। आज मैंने 32 वर्ड्स लिए हैं, उनमें से काफी वर्ड्स आपके लिए नए होंगे, जिनकी जानकारी अर्थ, और मैं हर एक का अर्थ तो देता ही हूं, साथ में सेंटेंस भी देता हूं, साथ में समझाता भी हूं, ताकि बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी ये चीज क्लियर हो सके, इसका अर्थ क्लियर हो सके। कैसी लगी ये मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।